मध्य प्रदेश विधानसभा की नवगठित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली संयुक्त बैठक विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई। नवगठित समितियों का विकास हो इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग कल्याण समिति को पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति से पृथक कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नवगठित अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की बैठक आयोजित कर उसे संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि पहले यह संयुक्त समिति हुआ करती थी, लेकिन इन वर्गों के कल्याण संबंधी कार्यों को देखते हुए अलग अलग समितियां गठित की गई है। समिति के सभापति और सदस्यों से यह अपेक्षा है कि विभिन्न वर्गों के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को देखें और यह सुनिश्चित करें कि इनका लाभ लोगों को मिल सके। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जहां कहीं भी कमियां मिले उन्हें सदन के माध्यम से सामने लाएं ताकि सरकार के संज्ञान में चीजें आएं। यही हमारी जिम्मेदारी भी है। नवगठित समितियां पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी कार्यों समीक्षा करके प्रतिवेदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। समिति का तो समिति हमने बुलाया, बाकी ये प्रस्ताव हमारे सामने थोड़ी आएगा, तो सरकार के सामने जाएगा ना। उनने प्रस्ताव ये आया, प्रस्ताव की पिछड़ा वर्ग कल्याण दोनों की तासीर अलग अलग है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मत अलग आता है, पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अलग आता है। दोनों की संयुक्त बैठकें होने से कई बार उस बारों में विचार करने में कुछ असुविधा होती थी, इसलिए ये प्रस्ताव आने पर मैंने विचार किया कि नियम के भीतर यदि अधिकार अपने को तो उस अधिकार का प्रयोग करते हुए विधानसभा की नियम समिति की बैठक बुला करके उस तरह का कर दिया कि दोनों समितियों को अलग अलग कर दिया। अब दोनों के विषय अलग है, दोनों अलग अलग तय करेंगे अपनी बात। वहीं कांग्रेस ने एसटी एससी और ओबीसी की संयुक्त कमेटियों को पृथक करने पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को धन्यवाद दिया। कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों ने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। देखिए आज प्रथम बैठक थी, औपचारिक तो नहीं अनौपचारिक कह सकते हैं, आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने संबोधित किया है और पहले एससी एसटी और ओबीसी की संयुक्त कमेटी थी विधानसभा की, अभी पृथक कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति अलग बना दी गई है और एससी एसटी की अलग से गठित की गई है, तो अच्छा पहल है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने अच्छी पहल की है, अलग अलग कमेटियां बनाई है, बैठक हो, बैठक में एजेंडा आए और क्या मंशा है सरकार की तब समझ में आएगा। क्या आपने तरफ से कोई सुझाव दिए सर आपने? देखिए आज तो कोई सुझाव की बात हुई नहीं है, आज तो अनौपचारिक बैठक थी। विधानसभा अध्यक्ष जी ने सभी माननीय सदस्यों को, कई समितियों के अध्यक्ष भी थे, उनसे सबसे चर्चा की है और उन्होंने ये जो उनका सुझाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव था कि विधानसभा सर्वोच्च सदन है और यहाँ हम नियम बनाते हैं, नियम का सही ढंग से पालन हो, समिति इतना बढ़िया काम करे कि जो अधिकारी कर्मचारी है वो बेलगाम जो घूम रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगे। बहुत सारे जो विधानसभा में आश्वासन दिए जाते हैं उसका समय पे क्रियान्वयन नहीं होता है, समय पे क्रियान्वयन हो और समिति का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये अच्छा सुझाव था और सभी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को इसमें मिलके प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी विधानसभा में गलत जानकारी दी जाती है और विधानसभा सत्र भी ज़्यादा समय तक चलना चाहिए। अब अभी हम देख रहे हैं कि विधानसभा सत्र दिन प्रतिदिन बहुत छोटा होता जा रहा है, उससे माननीय हमारे विधानसभा के सदस्यों की बात आती नहीं विधानसभा में, सरकार की जो कमियां हैं वो नहीं नज़र आती है, तो सरकार ऐसा लगता है कि अपनी कमियों को सुनना नहीं चाहती है, इसलिए सत्र बहुत कम समय के लिए आहूत करते हैं। महिला देखिए महिला बाल विकास में कुछ 6 जिलों में अनियमितताएँ हुई थी, आंगनवाड़ी की जो परीक्षाएँ उनके पेमेंट के मामले में, तो उसमें एक जॉइंट कमेटी बनाने का निर्देश दिए हैं पीएससी ने। दूसरा आज बधाई देना चाहता हूँ अध्यक्ष जी को, उन्होंने एससी एसटी और ओबीसी को जो है अलग अलग समिति बना दी, उसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया था। दोनों समितियों के अध्यक्ष लालिया जी और जालम सिंह जी विधायक जी को बधाई भी देना चाहता हूँ। साथ ही एक मामला है होमगार्ड का, होमगार्ड में ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने ट्वीट करके कहा था कि अब 3 साल में 2 महीने के लिए बिठाएंगे,
कि PHQ ने भी कहा था कि 3 साल में 2 में बढ़ाएंगे, लेकिन कल 1 तारीख को भोपाल के सैकड़ों और मध्य प्रदेश के हजारों होमगार्ड के सेनानियों की जो हर तरह की उसमें ड्यूटी करते हैं, बहुत ही अच्छी ड्यूटी देते हैं, ये गृह मंत्री जी ने कई बार कहा, लेकिन ये घोषणा करने के बाद, ट्वीट करने के बाद भी नहीं किया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। उनको 3 साल में ही 2 महीने बिठाया जाना चाहिए। इस चीज़ का मैंने क्वेश्चन भी विधानसभा में लगाया था, उसमें आश्वासन मिला था कि हम इसको करने जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं किया है। सरकार, गृह मंत्री जी इसको करेक्ट करें, और होमगार्ड को जो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 3 साल में 2 महीने बिठाएंगे, तो ये 1 साल में 2 महीने बिठा देना, कम उनको वो मिलती है सैलरी, तो ये तो अन्याय है उस परिवार के साथ। आपने बैठक में जो मुद्दे रखे हैं सर, उस पे कुछ कुल मिलाकर समितियां प्रशासन की योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने समितियों को पृथक किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, भोपाल।